हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम पूजा मिश्रा। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे और मज़े में भी होंगे, जैसे कि मैं दिख रही हूँ आप लोगों को। तो आज का जो हमारा हॉल होने वाला है वो भी मीशो से, मिंत्रा से बिल्कुल नहीं, क्योंकि आप लोग मिंत्रा वाले हॉल बिल्कुल ही नहीं पसंद करते हो। आपको सिर्फ मीशो चाहिए तो मुझे भी भाई मीशो चाहिए, क्योंकि मीशो बहुत ही अफोर्डेबल है और मुझे खोजने में थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन चीज़ें मैं बहुत अच्छी अच्छी खोज के लेके आती हूँ आप लोगों के लिए। तो आज का जो हमारा हॉल होने वाला है वो भी साड़ी से होने वाला है, ना कि सूट, ना कि कुर्ता सेट, ना कि आपको स्कर्ट, ना ही टॉप, आपको कुछ नहीं मिलेगा, सिर्फ आज साड़ी मिलेगा, वो भी बहुत ही प्यारे प्यारे कलेक्शन, क्योंकि मैंने बहुत ही यूनिक कलेक्शन की साड़ी परचेस किया है। कलर भी आपको बहुत अलग मिलेगा, लेकिन पैटर्न थोड़ा सा आपको सेम मिलेगा, सीक्वेंस का मिलेगा, क्योंकि सीक्वेंस आजकल ट्रेंड में है, तो मैंने सीक्वेंस को ध्यान में रखते हुए मैंने खरीदा है साड़ी, बहुत ही अलग है। चलो फिर वीडियो को स्टार्ट करती हूँ। ज़्यादा देने को तो नहीं, मैं बकबक करती हूँ क्योंकि मुझे बहुत ही एक्साइटमेंट हो रही है आपको दिखाने के लिए। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बता दूँ, ये जो मैंने टॉप पहना है बहुत ही प्यारा टॉप है, अंडर 1000 के है, लेकिन मैंने मिंत्रा से परचेज किया, लेकिन मिंत्रा की क्वालिटी तो थोड़े अच्छे होते हैं मीशो के कंपैरिजन में, लेकिन हाँ ये टॉप बहुत प्यारा है क्योंकि ये नेट फैब्रिक में है और समर के लिए तो बहुत ही परफेक्ट, और ये मोस्ट वायरल टॉप है क्योंकि ये बहुत ही वायरल टॉप है, मतलब इंटरनेट में बहुत ही वायरल है ये। तो आपको लेना हो तो लिंक वगैरह सब कुछ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी टॉप का भी, और आपको जितने भी साड़ी दिखाऊंगी उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलो फिर वीडियो को स्टार्ट करती हूँ। इस हॉल की जो फर्स्ट साड़ी होने वाली बहुत ही प्यारा है गाइस, इसमें तो पर्पल पिंक का सेट दिया हुआ है और इसमें जॉर्जेट फैब्रिक मिल जाएगा, और इसका जो पैटर्न है बीच में जो कपड़े का क्रश इसको बोलते हैं, मतलब बिल्कुल बीच बीच में जैसे चुनट चुनट टाइप का नहीं आता है, उस टाइप का ये ऐसे दिया हुआ है, देख सकते हो अच्छा लग भी रहा होगा। लेकिन मॉडल जो पहनी थी उसमें नहीं ऐसा कुछ सो हो रहा था, लेकिन हाँ ये साड़ी बिल्कुल ही वैसी है, बहुत ही प्यारा है। आप देख सकते हो ऊपर में आपको पिंक मिलेगा, बीच में पर्पल और पिंक का सेट मिलेगा लाइट, और उसके बाद नीचे में आपको पर्पल कलर मिलेगा, बहुत ही प्यारा लग रहा था, कुछ इस तरीके का आप देख सकते हो कितना प्यारा लग रहा है, देख सकते हो कितना प्यारा लग रहा है ना, बहुत ही प्यारा लग रहा है, बहुत ही प्यारा। इसमें जो वर्क भी किया हुआ है आपको पूरा सीक्वेंस का वर्क किया हुआ और एम्ब्रॉयडरी वर्क किया, और किनारे किनारे में आपको इस तरीके का पैटर्न मिल जाएगा, बहुत ही प्यारा लग रहा था। और बीच में आप देख सकते हो यहाँ पे ऐसे ऐसे फ्लावर बने हुए सीक्वेंस लगा हुआ उसमें, और इसका जो ब्लाउज है, साड़ी भी अच्छी खासी इसकी लेंथ है, आपको साड़ी की लेंथ भी आपको बहुत ही अच्छी मिल जाएगी, आप देख सकते हो कितनी बड़ी साड़ी है यार। इसका ब्लाउज भी आपको साड़ी के पैटर्न में मिल जाएगा, मतलब कुछ पर्पल कुछ पिंक और बीच में पर्पल और पिंक का सेट मिल जाएगा, और ब्लाउज में भी आपको पूरा फुल वर्क किया हुआ ब्लाउज मिल रहा है, मतलब प्राइस के अकॉर्डिंग तो बहुत ही अच्छी साड़ी है, मतलब 1000 की है तो भाई 1000 के लायक आपको साड़ी भी मिल जाएगा, क्योंकि आप देख सकते हो कितना अच्छा खासा ब्लाउज पे भी वर्क किया हुआ है, काम किया हुआ है एम्ब्रॉयडरी वर्क और इसमें सीक्वेंस का, मेरे को तो पर्सनली ये बहुत ही अच्छा लगा। सॉरी मैं उल्टा दिखा रही थी आपको, ऐसे सीधा इस तरीके का दिखाती हूँ मैं आपको किस तरीके का काम किया हुआ है इसमें, बहुत ही प्यारा अच्छा काम लग रहा है। देखो ब्लाउज बनाओगे तो बहुत ही प्यारा, मैंने तो ऐसे नॉर्मल ब्लैक कलर के ब्लाउज के साथ इसे स्टाइल किया, क्योंकि मुझे अभी स्टिच वगैरह कराना पड़ेगा इसको ब्लाउज का, तो कुछ इस तरीके का ब्लाउज है, बहुत ही प्यारा है गाइस। इसका लेंथ वगैरह भी बहुत ही अच्छा रहा था, प्रॉपर आ रहा था, आप वीडियो में देख सकते हो कितना प्यारा लग रहा है। और इसका जो फैब्रिक है आपको जॉर्जेट में भी आपको फैब्रिक बहुत ही ट्रस्ट में गाइस, बहुत ही मतलब अच्छा है ये साड़ी, मैं तो कह सकती हूँ कि आप इसे ले सकते हो, आप इसे आप रिसेप्शन या फिर वेडिंग में या फिर किसी छोटे मोटे पार्टी या कॉकटेल वगैरह में जाओ, चाहे एंगेजमेंट में, बहुत ही प्यारा लगेगा, मतलब बहुत ही खूबसूरत है, मतलब आपको 2-3 कलर मिक्स करके मिल जाएंगे तो कितने प्यारे, मतलब बिल्कुल अलग है ना, बहुत ही अच्छा है। इसका प्राइस भी आपको मेरे को पड़ा था 1016 रुपये, मतलब 1016 रुपीज़ का पड़ा था, प्राइस के अकॉर्डिंग बहुत ही अच्छा आपको मिल रहा है, तो मैं तो कह सकती हूँ अगर रेटिंग वगैरह देना होगा तो मैं 10/10 दूंगी, मुझे बहुत ही अच्छा लगा पार्टी वगैरह के लिए। तो चलो फिर मैं नेक्स्ट दिखाती हूँ अपना। अब जो हमारी नेक्स्ट साड़ी होने में बहुत ही प्यारी, मतलब येलो कलर की साड़ी मैंने परचेस किया, येलो में भी आपको बहुत ही अच्छा येलो कलर, मतलब बहुत ही यूनिक येलो, मतलब एक होता है ना चमकीला भड़कीला उस टाइप का येलो नहीं है, ये बहुत ही प्यारा येलो है, आप देख सकते हो इसमें भी आपको सिक्वेंस का ही काम मिलेगा, लेकिन आपको फुल साड़ी में कुछ इस तरीके का सिक्वेंस का काम मिलेगा, बहुत ही प्यारा लग रहा था गाइस, मतलब इसे आप पार्टी में पहनो या फिर हल्दी वगैरह के फंक्शन में पहनो बहुत ही अलग लगेगा, कुछ इस तरीके का पल्लू मिल जाएगा आपको, देख सकते हो आप सिक्वेंस का वर्क किया हुआ और एम्ब्रॉयडरी वर्क किया हुआ, मतलब एम्ब्रॉयडरी से फ्लावर बना हुआ है कलरफुल, बहुत ही प्यारा लग रहा है, और पूरे साड़ी में आप देख सकते हो सीक्वेंस का काम मिलेगा आपको पूरे साड़ी में कुछ इस तरीके का, देखो आप
पूरे साड़ी में सीक्वेंस का काम मिलेगा। इस साड़ी की भी लेंथ वगैरह बहुत ही अच्छा है, इसका जो फैब्रिक भी इसमें लिखा हुआ था आपको फैब्रिक इसमें जॉर्जेट मिलेगा। और ये ब्लाउज, ब्लाउज का पीस आपको रनिंग मिलेगा, तो आप चाहो तो इसमें एक्स्ट्रा ये ब्लाउज सिलवा भी सकते हो, या फिर मीशो पे आपको रेडीमेड मतलब ब्लाउज मिल जाएंगे रेडी टू वेयर, तो आप वो भी ले सकते हो येलो कलर के, आपको जिस तरीके के आपको स्टाइल करना, या फिर इसमें आप हैवी ब्लाउज वगैरह भी आप पहन सकते हो तो भी अच्छा लगेगा। मैंने तो बेसिक, मेरे पास कुछ ब्लाउज तो था नहीं येलो कलर का, मैंने इसे एक वाइट कलर के बेसिक से टॉप के साथ मैंने स्टाइल किया है, तो आप देख लेना आपको ब्लाउज अगर ऐसा येलो कलर का हो तो कुछ पहन सकते हो इसके साथ में, क्योंकि रनिंग ब्लाउज है, इसमें कोई वर्क वगैरह नहीं है। इसका जो प्राइस मेरे को पड़ा था 982 रुपीज़ का या फिर 86 रुपीज़ का ऐसे ही, मतलब अंडर 1000 रुपीज़ के, तो अंडर 1000 रुपीज़ के हिसाब से तो बहुत ही प्यारा है, कि इसका फैब्रिक वगैरह बहुत ही अच्छा, और इसका जो स्टाइल मेरे को मतलब इसका पैटर्न मेरे को बहुत ही अच्छा लगा, जो किनारे किनारे में आपको ये एम्ब्रॉयडरी से फ्लावर बना हुआ ना कलरफुल, ये मेरे को बहुत ही अच्छा लगा, और इसमें सिक्वेंस का भी वर्क किया हुआ और किनारे की तरफ में इस तरीके का पैटर्न दिया हुआ है, बहुत ही प्यारा लग रहा था। इसे पहनोगे हल्दी में या फिर किसी भी पार्टी में तो बहुत ही अच्छे लगोगे, जैसे कि मैं लग रही हूँ, देखो अच्छा लग रहा है ना, मेरे को तो ये पर्सनली बहुत ही अच्छा लगा, हल्दी के लिए तो बहुत ही अच्छा है। आप इसे ले सकते हो, हाईली रिकमेंड कर सकती हूँ, अगर रेटिंग वगैरह भी देनी हो इसे तो मैं आपको 10/10 दूंगी, क्योंकि बहुत ही प्यारा लगा, ट्रस्ट मी गाइज। लेकिन आप थोड़ा सा इग्नोर करना इन साउंड वगैरह को साइड से, क्योंकि मेरे बगल में कुछ काम चल रहा है तो इसलिए साउंड आएगा, तो फिर प्लीज़ इग्नोर करना, आप वीडियो पे फोकस करना, मेरे पे फोकस करना। चलो फिर मैं नेक्स्ट दिखाती हूँ अपना। अब जो हमारा नेक्स्ट होने वाला है वो रेड कलर की साड़ी है, बहुत ही प्यारा है, मतलब रेड कलर में भी बहुत ही प्यारा रेड कलर है, आप देख सकते हो। ये भी पूरा फुल सिक्वेंस है, इसमें आपको हाफ या फिर कोई भी मतलब फ्लावर वगैरह नहीं बनेगा, लेकिन हाँ बहुत ही प्यारा है फुल सीक्वेंस, और हैवी भी है ये सीक्वेंस में, ऐसा नहीं है कि आपको कुछ इसी तरीके से सिर्फ सीक्वेंस दे दिया गया, लेकिन हाँ बहुत ही प्यारा लग रहा है, चमकीला टाइप का सीक्वेंस लग रहा है, बहुत ही खूबसूरत लगेगा पार्टी में, अब चार चांद लग जाएगा आपको, सब लोग आप ही को देखेंगे, इस तरीके का रेड कलर का है और कुछ इस तरीके का इसमें आपको बॉर्डर मिल जाएगा या लैस, कुछ इस तरीके का आपको लैस मिल जाएगा आपको, मतलब थोड़ी हैवी दिखने के लिए, थोड़ा हैवी लगे, और पूरे फुल साड़ी में आपको सीक्वेंस का काम मिलेगा, आप देख सकते हो पूरे फुल साड़ी में मिलेगा आपको, बहुत ही प्यारा लग रहा था गाइस। और इसका जो ब्लाउज का फैब्रिक दिया हुआ है, इसमें कोई भी सीक्वेंस वगैरह का काम नहीं है, आपको रनिंग ब्लाउज मिल जाएगा, तो आप एक्स्ट्रा मतलब आप रेडी वेयर ब्लाउज पहन सकते हो, या फिर इसके साथ आपके पास टॉप हो तो वो पहन सकते हो, टी मतलब स्पैगेटी टाइप का, या फिर कुछ भी हैवी ब्लाउज के साथ भी आप जा सकते हो। इसका जो फैब्रिक मेरे को पता था वो जॉर्जेट में मिलेगा आपको, इसका फैब्रिक बहुत ही अच्छा क्वालिटी का फैब्रिक दिया हुआ है गाइस। इसका जो प्राइस भी पड़ा था, इस हॉल के सबसे चीप मतलब 630 रुपये का पड़ा था, उसके अकॉर्डिंग तो बहुत ही अच्छा है, 630 रुपये अकॉर्डिंग, और शादी वगैरह में पहनो, हैवी इयररिंग के साथ क्लच वगैरह ला लो, बहुत ही खूबसूरत। इसका प्राइस, इसका लेंथ, इसका फैब्रिक, इसका सब कुछ मेरे को बहुत ही अच्छा लगा, इसको अच्छी तरीके से आप स्टाइल करोगे ना तो बहुत ही खूबसूरत लगेगा, आप वीडियो में भी देख सकते हो। इसका रेटिंग वगैरह मेरे को देना होगा तो मैं इसे 10/10 दूंगी, क्योंकि मुझे बहुत ही अच्छा लगा इसे, मैं पर्सनली अगर मुझे पहनना हो तो मैं इसे कब पहनूंगी आपको पता है, इसे मेरे रिसेप्शन या फिर कॉकटेल वगैरह पार्टी हो या फिर बैचलर पार्टी हो उसमें आप पहन सकते हो, मेरे को इतना अच्छा लगा। चलो फिर मैं नेक्स्ट दिखाती हूँ अपना। अब जो हमारी नेक्स्ट साड़ी हो रही है ये बहुत ही यूनिक है, पिंक कलर के, एक तरफ आप बेबी पिंक मिलेगा आपके, एक तरफ डार्क पिंक मिलेगा, बहुत ही प्यारा इसका सेट लगा था। ये भी आपको फुल सीक्वेंस साड़ी मिलेगी लेकिन दो कलर में मिलेगी, और दो कलर वाली साड़ी अच्छे लगते हैं, थोड़े यूनिक लगते हैं। इसे मैंने जब पिक्चर्स में देखा था तो उसमें काजोल ने कभी किसी इवेंट वगैरह में पहना था, तो उसी का आप मानो तो कॉपी है ये, लेकिन बहुत ही प्यारी साड़ी आप देख सकते हो, पूरा आपको सीक्वेंस मिलेगा, आगे में आपको वही कपड़े वाली लैस मिल जाएगी, और कुछ इस तरीके का आप देख सकते हो, पूरा फुल साड़ी कुछ इस तरीके का है, ऐसे पहन के मैं देखती हूँ अच्छा लग रहा है, बहुत ही प्यारा लग रहा है, वैसे मैंने वीडियो में पहना है आप देख सकते हो कितना प्यारा लग रहा है। ये आपको पूरे साड़ी में आपको इसी तरीके का सीक्वेंस का वर्क मिलेगा, यहाँ पे आपको लाइट सीक्वेंस मिलेगा, बीच में आपको दोनों तरफ टाइप दोनों साइड वाले सीक्वेंस मिलेंगे आपको, लाइट और डार्क वाले दोनों पिंक कलर के सीक्वेंस मिलेगा, और यहाँ पे किनारे में आपको एक तरफ डार्क वाला सीक्वेंस मिलेगा, पूरे साड़ी में आपको इसी तरीके का सीक्वेंस मिल जाएगा। इसका ब्लाउज देखती हूँ मैं, एक मिनट, ब्लाउज मेरे को ऐसा लग रहा है, नहीं
ब्लाउज में भी आपको पूरा प्लेन ब्लाउज है, रनिंग ब्लाउज है, इसके साथ आप पिंक कलर के रेडी टू वेयर ब्लाउज पहन सकते हो, या फिर पार्टी के हिसाब से अगर आपको हैवी ब्लाउज वगैरह पहनना है तो वो भी आप पहन सकते हो, बहुत अच्छा लगेगा। तो ये लाइट वेटेड और आपको दो मिक्स करके साड़ी है, कलर तो बहुत ही प्यारा लगता है और पिंक कलर तो हर लड़कियों के फेवरेट होता है पिंक कलर, मुझे पर्सनली, मेरे को भी पिंक बहुत ही पसंद है। इसका प्राइस भी मेरे को पड़ा था 986 रुपीज़ का, मतलब 986 रुपये का पड़ा था, तो उसके अकॉर्डिंग बहुत ही अच्छा है। मैं तो कह सकती हूँ कि आपको हाईली रिकमेंड भी कर सकती हूँ कि आप इसे ले सकते हो, इसे आप पार्टी वगैरह में पहनो या फिर ऐसे भी आप पहनोगे तो बहुत ही अच्छा लगेगा। इसमें हैवी एयरिंग वगैरह या फिर कुछ भी पहन सकते हो, बहुत ही अच्छा लगेगा। इसको अच्छी तरीके से अगर स्टाइल करोगे तो बहुत ही खूबसूरत लगेगा, मेरे को तो पर्सनली ये बहुत ही अच्छा लगा, लेकिन मैं वीडियो के लास्ट में बताऊंगी कि मुझे कौन सा इसमें से साड़ी अच्छी लगी साड़ी। तो चलो फिर मैं नेक्स्ट दिखाती हूँ अपना। अब जो हमारी नेक्स्ट साड़ी होने वाली इस हॉल की सबसे लास्ट साड़ी, और ब्लैक कलर की साड़ी ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि मैं नहीं दिखा सकती, वो भी सीक्वेंस में बहुत ही प्यारी लगती है। सीक्वेंस की साड़ी अगर ब्लैक कलर की हो तो पार्टी में तो बहुत ही अलग लगता है, क्योंकि चमकता है ना सीक्वेंस, बहुत अच्छा लाइट देता है। इसमें दो तरह के सीक्वेंस डले हुए हैं, इसमें गोल्डन और आपको सिल्वर दो तरह के सीक्वेंस मिलेगी, और कुछ इसी तरीके का पूरे साड़ी में आपको मिलेगी। और साड़ी की भी लेंथ आपको बहुत ही अच्छा दिया गया है, लेंथ आप देख सकते हो कितना प्यारा है साड़ी ये ब्लैक कलर का। इसका जो फैब्रिक भी लिखा हुआ था उसमें जॉर्जेट लिखा हुआ था, जॉर्जेट बिल्कुल ही अच्छा वाला जॉर्जेट है फैब्रिक, इसमें कोई डाउट नहीं है, फैब्रिक वगैरह बहुत ही अच्छा है। इसमें भी आपको ब्लाउज, आपको रनिंग ब्लाउज मिल जाएगा आपको बिल्कुल ही प्लेन, इसके साथ आप ब्लैक कलर का ब्लाउज वगैरह डाल लो बहुत ही खूबसूरत लगेगा। और इसमें आप इस एडी नग वगैरह का आप नेकलेस वगैरह पहन लो, बहुत ही खूबसूरत लगेगा। ब्लैक कलर में तो आप कुछ भी पहनोगे, गोल्डन या फिर सिल्वर टाइप के इयरिंग वगैरह या फिर नेकलेस वगैरह पहनोगे तो भी अच्छा लगेगा, पार्टी के हिसाब से तो बहुत ही अच्छा है। और इसका जो प्राइस मेरे को पड़ा था 1016, हाँ मतलब 1016 रुपये के पड़े थे ऐसे लमसम में, मतलब जितने भी साड़ी मैंने दिखाया वो 1000 के अंदर ही है, तो बहुत ही अच्छा है। सीक्वेंस साड़ी वगैरह थोड़ी महंगी होती है, लेकिन आपको अच्छी क्वालिटी चाहिए तो फिर थोड़ी महंगी भी लो तो अच्छा लगता है, क्योंकि थोड़ा महंगा रहे और क्वालिटी अच्छा मिले तो अच्छा लगता है ना, कि हाँ चलो पैसे दिए हैं तो अच्छी क्वालिटी की चीज़ें आई हैं। मेरे को पर्सनली, मेरे को ये दो साड़ियाँ बहुत ही अच्छी लगी, आप कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको कौन सी अच्छी लगी। तो आई होप आप लोगों को वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा, आपको थोड़ा बहुत तो हेल्प मिला होगा। हाँ मैं थोड़ी लेट हूँ वेडिंग के पर्पज़ से, लेकिन मेरे को थोड़ा सा दिमाग में आया कि कौन से क्या हॉल बनाऊँ, तो मुझे ऐसा लगा कि चलो साड़ी का एक अलग यूनिक हॉल बनाते हैं, क्योंकि कुछ नया भी ट्राई करते रहना चाहिए लाइफ में, तो मैंने कुछ नया ट्राई किया साड़ी वगैरह। अगर आपको वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगे, मज़ा भी आया होगा देख के भी, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट भी करते जाना और सब्सक्राइब भी करते जाना। सब्सक्राइब करोगे तो आपको नोटिफिकेशन तभी मिलेगा, और भी अच्छी अच्छी मैं वीडियो लेके आऊंगी। तो चलो फिर टेक केयर, बाय बाय।